हेलो एंड वेलकम टू तरुनाइस मैं हूँ गार्गी शर्मा और आज बेसिक टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज़ में जो हम कंसेप्ट ले रहे हैं वो है जीएनपी जीएनपी स्टैंड्स स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो चलिए देखते हैं कि जीएनपी के एक इकोनॉमी एक में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से GNP is a इज अ मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट दैट value द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड by its citizens, regardless रिगार्डलेस ऑफ location. लोकेशन अगर हम इंडिया की जी एन पी कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर इंडिया के सिटीजन्स इंडिया के बाहर भी हैं तो जी एन पी करते वक्त उनकी भी इकोनॉमिक आउटपुट की वैल्यू कंसिडर करी जाएगी जो इंडिया में है उनकी तो ऑलरेडी करी जाएगी अब इसका एक बहुत ही मूल्य एस्पेक्ट है वो ये है कि इंडिया में अगर किसी और कंट्री के जो सिटीजन्स हैं

जी एन पी इज अ सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बायट्रीज रेजिडेंट विद इन स्पेसिफिक टाइम जो कि मोस्टली एक साल ली जाती है इंक्लूडिंग इनकम अर्न बायीजन वर्किंग अब्रॉड देखिए कुछ क्या होते हैं एन आर आईज भी होते हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं लेकिन जी एन पी कैल्कुलेट करते वक्त हम उन लोगों को लेते हैं जो प्राइमरली इंडिया के सिटीजन्स होते हैं चाहे वो यूके में हों यू एस में हों फ्रांस में हों ऑस्ट्रेलिया में हों पूरे यूरोपियन यूनियन में हों कहीं भी ठीक है अब हमारी में भी तो बहुत ऐसे लोग हैं जो जो के नहीं है, but वो अपनी जो economic output है उसकी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं इंडिया से लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो काउंट नहीं होती है इंडिया की जीएनपी कैलकुलेट करते वक्त ये सारी चीजें हम और भी विस्तार में पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि जीएनपी और जीडीपी में क्या फर्क होता है बेसिकली अब लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल चीज़ों को और क्लियर करने के लिए सपोज करिए द सिटीजन ऑफ कंट्री इंडिया ओन फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री हम एक इंसान ले लेते हैं अमित ले लेते हैं उसकी इंडिया में भी फैक्ट्रीज हैं और इंडिया के बाहर भी फैक्ट्रीज हैं टू कैलकुलेट इंडिया जी एम पी यू वुड नीड टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाई दो रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन तो हम एक छोटा सा एस्पेक्ट ले लेते हैं कि जो अमित की फैक्ट्रीज हैं उन्होंने इंडिया में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करे वो दस करोड़ के थे और उतने ही उन्होंने जापान और यूके की फैक्ट्रीज ने करे तो जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे, करेंगे तो हम थर्टी करोर्स लेंगे क्यों क्योंकि इंडिया की फैक्ट्री में जापान की फैक्ट्री में और यूके की फैक्ट्रीज में दस 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 करोड़ की वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुए हैं और हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं जीएनपी तो जीएनपी में एक कंट्री का जो सिटीजन है उसके जितने भी इकोनॉमिक वैल्यू उसने क्रिएट करी है वो कैलकुलेट करी जाएगी इफ़ वन ऑफ द फैक्ट्रीज इज लोकेटेड इन अनदर कंट्री फॉर एग्जाम्पल जपैन वैल्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन वुड स्टिल बी इंक्लूडेड इन इंडियाज जी एन पी एज ही इज इंडियाज सिटीजन ठीक है तो यहाँ पे आई होप कि आई हैव मेड यू क्लियर कि एक्चुअली जी एन पी होता क्या है इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर किसी पे डूल सिटीजनशिप हो तो क्या होता है इंडिया के केस में अगर आपने पॉलिटी स्टार्ट कर दी है अपनी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए तो आपको पता होगा कि इंडिया अलाउ सिटीजनशिप अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते हैं बट कुछ कंट्रीज में ऐसा भी अलाउड है कि अगर आप इस कंट्री के सिटीजन हैं फॉर एग्जाम्पल स्वीडन तो आप दूसरी कंट्री कंट्री के भी सिटीजन हो सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट जीएनपी तो वाई इज इक्वल टू सी सी स्टैंड फॉर कंजप्शन

नेट इनकम ऑफ फॉरन रेसिडेंट्स ऑफ होम फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि हमने भी बात करी थी राइट इट इज क्लियर फ्रॉम द जी एन पी फॉर्मूला जी डी पी का एक्सपेंडिचर फॉर्मूला देखा था उसमें भी कुछ ऐसा ही था ठीक है जी डी पी प्लस जेड जेड क्या है यहाँ पे हमने देखा जेड इज द नेट इनकम ओके जी डी पी मेजोर्स द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस बाय द डोमेस्टिक एंड फॉरन रेजिडेंट एंड कॉपेशन इन साइड दी जी डी पी का ये कहना है कि जो भी इकोनॉमिक वैल्यू हमारी कंट्री के के बॉर्डर अंदर क्रिएट हुई है वो वो हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री की जी डी पी है ठीक है लेकिन जीएनपी का कहना है कि मेरा सिटीजन कहीं भी रहे मैं तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडर करूंगा और जो दूसरी कंट्री के सिटीजन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैं फैक्टर इन या कंसिडर नहीं करूंगा ये सबसे प्राइमरी पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन होता है बिटवीन जी डी पी एंड जीएनपी जीडीपी कंसिडर्स आपके कंट्री के बॉर्डर एंड जी एन पी कंसिडर्स आपकी कंट्री के सिटीजन रिगार्डलोकेशन ओके इट ऑल्सो हेल्प इन एस्टिमेटिंग द ग्रॉस नेशनल इनकम नाउ नाउ वील टेक टू एग्जाम्पल्स जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी uh, ये काटना ठीक है जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी लेते हैं इट्स अ टेक्नोलॉजी फॉर्म लोकेटेड इन दू एस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑपरेट्स इन मेनी नेशन इंक्लूडिंग इंडिया And offers products and services worldwide. Okay, in this case, its overall revenue from the software and hardware sales, no matter where it comes from, will be included in the GNP of the US. Okay, अगर हम GDP की बात करें, तो जहाँ जहाँ पे उसने services दी हैं और economic value generate करी है, वो उस country की GDP में आ जाएगी. लेकिन अगर हम GNP की बात करें, तो Microsoft के all over the world more than hundred office होंगे, तो भी वो US की economy में ही count होगा. Okay.

स्वीडन की और यूनाइटेड स्टेट्स की अब इस सिनेरियो में क्या होता है द स्वीडिश एंड अमेरिकन गवर्नमेंट विल काउंटर अर्निंग्स इन देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज वो दोनों ही दोनों ही कंट्रीज जब अपनी अपनी कंट्री की जी निकालेंगे तो उनकी मेगिन की वो इनकम को कंसिडर करेंगे दस रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एड इन कैल्कुलेटिंग ग्रॉस नेशनल इनकम एंड इट सिटीजन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी So, this was all about GNP, gross natural produce. I hope the concept is clear to you. Thank you for having me. We'll meet in the next one.